ANU News, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANU News। इस वक्त मैं यूनिट नंबर 3 में मौजूद हूँ, एकता नगर में। यहाँ पे एक तेंदुए ने छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे पे हमला कर दिया है। आइए हम इनसे पूछते हैं, फॉरेस्ट वाले सर से। सर, आप आए दिन यहाँ पे हमले हो रहे हैं बार बार, इसके बारे में आप क्या कदम उठा सकते हैं? सर, क्या है ना, हम आज नाइट के लिए हैं और हमने आज आपके देखा 4 साल के बच्चे पे अटैक हुआ है। वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनसे मिल के उनको बात बता दिए, उनसे जानकारी लिए। ये जानकारी हम हमारे आगे ऑफिसर को देंगे और आगे की जो कुछ कर रहे होंगे वो करेंगे। अभी ये कितने दिन तक मतलब कार्रवाई आप कर सकते हैं? नहीं, मैं अभी जाते ही मैं रिपोर्ट कर दूंगा। क्या है ना, अगर लेपर्ड है वो कैच करने के लिए पूरा हमारे स्टेट से परवानगी लेनी पड़ती है, नागपुर से। तो मैं जाते ही रिपोर्ट कर दूंगा, आगे की प्रोसेस जल्दी कर देंगे। आयकर साहब ने उसके बारे में, मैं आपको कल, आप आ जाओ 11:30 बजे, वहाँ पे पूरे फॉरेस्ट वाले भी रहेंगे और पिछली मीटिंग के पूरा फुटेज और वो लेटर भी आपको आपका हम लोग आपको दे देंगे। उसके बाद फॉरेस्ट ने 15 दिन में क्या किया तो वो आप फॉरेस्ट वालों को वहाँ पे पूछ लेना। यहाँ पे 24/7 के अध्यक्ष है अख्तर अंसारी जी, इनसे पूछते हैं यहाँ के निवासियों के लिए आपने अपने लेटर पे या किसी लिखित में फॉरेस्ट वाले से किए क्या? देखिए, इसके पहले कई चैनल में चल चुका है, सरकार तक भी ये बात पहुंच गई है, फॉरेस्ट के लोगों को भी पता चल चुका है। आज वो जो बच्चा अगर कुछ हो जाता था, वो किसी का बच्चा था और वो बच्चा कहाँ पे रहता है? गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, गवर्नमेंट ने जो पहले से रूम बना के रखा हुआ है वहाँ पे वो बच्चा था, वहाँ पे बाहर खेल रहा था, वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो आरे में लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? फॉरेस्ट वाले आते हैं और बोलते हैं कि टॉर्च और डंडा आप रखे रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? इंसान और लेपर्ड जो है साथ में नहीं रह सकते हैं। ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं आ रहे का। इसके पहले मैंने पवित्र समय न्यूज में भी हमने ये सब चीजों का विकल्प किया हुआ था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये 2 दिन, कभी बोलते हैं 4 दिन, कभी। यहाँ पे हम मौजूद है आयुष यादव के बच्चे, जो 4 साल का तेंदुओं ने हमला किया हुआ है। आइए हम दिखाते हैं, बच्चे एकदम डरा हुआ है, आप देख सकते हैं। दिखाओ जरा, कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ, कितना काफी सारे इनको ताका लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है बच्चे को। आइए इनसे हम घर वाले से पूछते हैं, आपको आपका कभी पता चला कि बच्चे को तेंदुए मतलब लेके जा रहा था? सर, मैं इधर दरवाजे पे अपने खड़ा था और इधर तेंदुआ आया, मैं बच्चा उधर जा रहा था, बाहर साइड खेलने जा रहा था, तो मैं उसको मना किया, तो आके इधर खड़ा हुआ था, तो निगाह मेरा ये बच्चे के ही ऊपर था। उसके बाद तेंदुआ उधर से आया है और इसको इधर पकड़ा ऐसा करके, और पकड़ के घसीट के लेके भागने की कोशिश किया, मैं भी दौड़ा पीछे से, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया, झाल में जाके पहुंच गया वो, इतने में उसके दांत से स्लिप खा गया, ये बच्चा गिर पड़ा उधर, तुरंत जाके बच्चे के ऊपर में लेट गया और उसके बाद बच्चे को उठा, तेंदुआ एक बार खड़ा हुआ फिर भाग गया वो उधर झाड़ में, फिर बच्चे को मैं लेके आया, डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गया। आइए अब यहाँ से स्थानीय लोगों से पूछते कि इस बच्चे के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बच्चे के परिवार पूरे एकदम डर से, बाहर निकलना बंद है, सब लाइट वीट पूरा बंद है हमारे एरिया के अंदर, पूरे डरे हुए एकदम घबरे हुए बच्चे के परिवार। इनको कुछ ना कुछ हर्जाना दिया जाए, ठाकरे हॉस्पिटल में बच्चे के उपचार में सीटी स्कैन किया गया है और बाकी रिपोर्ट आई हुई है, तो कल सुबह डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट बताने वाले रिपोर्ट, बाकी हमारे पास खाली सीटी स्कैन रिपोर्ट आई हुई है अभी, और एकदम डरे हुए पूरे परिवार, घर के पूरे मेंबर, मामा नाना, यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, घर घेरा, पूरा अंधेरा हुआ है। शासन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का स्थानीय लोग कैसा नारेबाजी लगा रहे हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं कितना, देख सकते हैं समस्या क्या बताइए। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे ना लाइट है, ना सड़क पे लाइट है, ना बाथरूम में लाइट है,
पिछले 3 महीने से ये तेंदुआ घूम रहा है और ये चौथा हमला कर चुका है। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक, आमदार, हमारे CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सबको ये चीज मालूम होते हुए भी ये पिछले 3 महीने में उसने चौथा हमला किया है, फिर भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का